रेणुका, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? किस कंडीशन की बात कर रहे हैं ये? अरे बोलो रेणु। हेलो डॉक्टर साहब, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, एक मिनट। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। हाँ हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ बोलिए। बाहर निकलिए। अरे वो मैं, बाहर निकलिए पहले। रेणु तुम जरा डॉक्टर से बात करो। हेलो डॉक्टर साहब, आज हमारे घर में पूजा है, तो हम पूजा के बाद बता देंगे हमारे पति को जो भी बातें आपने हमसे कही थी। आपसे विनती है, आप हमें इस बारे में बात करने के लिए दोबारा फोन ना कीजिएगा। नमस्ते। आइंदा से ध्यान रखना। ठीक है। बेकार का नाटक करते हैं लोग। बात हो गई डॉक्टर साहब से? क्या बोली? वो बस यही याद दिलाने के लिए फोन किया था कि हमें खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए ऐसी कंडीशन में, तो ताकि दोबारा कमजोरी ना आ जाए। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ध्यान रखना चाहिए। और अब तुम क्या ध्यान रखोगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सच तो है ना? कैसी लगी गाड़ी अभी? क्या बात है पापा, क्या गाड़ी है? ये गाड़ी मैं रेणु को तोहफे में दी है। गुड न्यूज सुनने के बाद आज तक कोई तोहफा नहीं दिया था मैंने, तो सोचा ये गाड़ी दे दूं। आओ ना, देखो ना, लो। ठीक है पापा, आओ ना भाई। आया बाल को बाल जुग जुग जियो मेरा लाल। अरे तेरा बच्चा तो बहुत नसीबों वाला है, जानती है क्यों? क्योंकि हमारी दुआओं का असर जो है। अरे पापा, सुना मम्मी बेहोश हो गई थी कल। अब ऐसी हालत में स्ट्रेस लेंगी तो बेहोश तो होंगी ही नहीं, और आदि की वजह से घर में गुंडे आए थे। पापा ऐसी हालत में मम्मी को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। पर थैंक गॉड आज के लिए मम्मी और बेबी दोनों सेफ है। बंडल निकाल जुग जुग जियो तेरा लाल। अरे वाह, नए बच्चे के लिए नई गाड़ी है भाई, बधाई हो बधाई। और बच्चा आएगा तो फिर से बधाई देने आएंगे। हाँ। तब इसी गाड़ी में बिठा के हम सबको घुमाना पड़ेगा। हाँ। इसी मोटर पर घूमेंगे हम सब। बधाई हो बधाई। अरे बच्चे के पापा से तो शगुन लेना बनता है, तो चलो बच्चे के पापा जी। हाँ। और पापा जी से तो डबल शगुन लेंगे हम। समझ गए पापा जी, तो दीजिए शगुन। अरे वाह पापा जी, पहनो आ।
आज तो लॉटरी लगा दी पापा जी ने लॉटरी। आया बाल गोपाल जुग जुग जियो तेरे लाल। माँ अंदर चले, थक गए होगे ना, ये मुझे दे दो। मम्मी आप अंदर चलो, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। पापा चलिए चलिए, सरप्राइज आप लोगों के लिए। चलो चलो अशर भैया, चलो चलो चलिए पापा। आइए मम्मी आइए आइए, देखिए क्या रेनोवेट किया है। वो पापा का बहुत मन था कि पूरे घर का डेकोर चेंज करो, तो मैंने नव्या ने हैंड पिक करके पूरा डेकोर वापस से सही किया है। तो बताइए कैसा लगा? बहुत सुंदर है। आग भी लगा दी, घी भी डाल दिया, पर लपटें क्यों नजर नहीं आ रही? ससुर जी इतने शांत कैसे हैं अब तक? अब ये देखिए ना, ये प्लांट्स और देखिए आपके फेवरेट कलर के कर्टेन्स और पूरा काउच सब कुछ, और आप देखो वहां पे टेबल का पूरा डेकोर चेंज, यहाँ का पूरा चेंज, और ये देखिए मैट, देखिए आप मैट बहुत अच्छा है। साथी रेनू हॉस्पिटल से आई है, थक गई होगी। चलो रेनू अंदर चलकर आराम कर लो। या ऑफ कोर्स, आप लोग जाइए आराम कीजिए। आप आराम कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। चलो रेनू। अरे आजा आजा अशरफ, ले आ इसको अंदर जल्दी। या या, या रख संभाल के संभाल के। बस तिवारी जी पालना। अरे कमाल करती हो, घर में बच्चा आ रहा है तो पालने की जरूरत तो पड़ेगी ना। आदि का पालना है ना। उस पालने में तो कभी ना रखूं अपने बच्चे को। तिवारी जी अशरफ इसको अंदर लेके जा मेरे कमरे में। जी मालिक। जल्दी लेके जा। मेरे कहने का मतलब यह था कि अब बच्चा पुराने पालने में खेलेगा तो फिर शिकायत नहीं करेगा कि मेरे लिए नया पालना क्यों नहीं लेकर आए। हैं अशरफ, बाकी का सामान भी उठा ले। माँ पापा जी आने वाले बच्चे के लिए कितने एक्साइटेड है ना, मैं मदद करती हूँ। कैसे धर्म संकट में फंसा दिए हो हमें बंसी वाले। एक तरफ तिवारी जी ने काका सपने देख रखे हैं अपने बच्चे के वास्ते, और दूसरी तरफ हम। पूरे 20 लाख रुपए हारे हैं तूने जुए में। ओ माँ, जिसे तुम 9 महीने पेट में रखा, तुमने उसी के खाने चोरी की। मैं इस रिश्ते में एक बेटा नहीं, एक दोस्त ढूंढ रहा हूँ। आज से तिवारी एंड संस को मैं संभालूंगा। दिल तो करता है कि जूते मार मार के मुंह तोड़ दूं मैं आदि का, लेकिन रेनू को मैं सब कुछ नहीं बता सकता। नहीं सह पाएगी वो, दिल टूट जाएगा बेचारी का। ये भी तो हॉस्पिटल से आई है, आदि का ये सच उसे पता चला तो मर जाएगी वो बेचारी। तो जो भी उम्मीद है तुम्ही से है मेरे बच्चे, बस तुम्हें से।
गलती मेरी परवरिश की है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आदि को मैं हमेशा हमेशा के लिए खो चुका हूं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कर रही हो ये सब? आज बहुत ही शुभ दिन है। कहते हैं कि आज की रात घर में घी के 100 दीपक जलाने से मंगल और गुरु की शांति होवे है और मन की कामना पूरी होवे है, इसलिए दिए जला रहे हैं। बहुत विश्वास करती हो ना तुम इन सब में? प्रार्थना में बहुत शक्ति होवे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरे लिए भी बंसी वाले से कुछ मांगना। आपके लिए? आपका मांगना चाहते हैं बंसी वाले से। प्रार्थना करना अपने बंसी वाले से कि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। परवरिश में जो कमी रह गई थी मेरी तरफ से वो कमी पूरी कर सकूं। तिवारी जी, हम कैसे विश्वास दिलाएं आपको कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं? कौनो कमी नहीं है आप में। काश मैं तुम्हें बता पाता रेणुका कि हमारे बेटे ने हमारे साथ क्या किया है। क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं सोच रहा मैं, ये तो मुझे, मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों को 100 दिए भी तो जलाने विद्यांचल में। ये भी तो तुम्हारा अधूरा सपना था ना, इसलिए मैंने ये तय किया है कि हमारे होने वाले बच्चे का मुंडन हम विद्यांचल में करेंगे। हम नहीं चल पाएंगे आपके साथ। हमारा मतलब है कि हम इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? तुमसे कौन कह रहा है सीढ़ियां चढ़ने के लिए? तुम बस हमारे बच्चे को गोद में उठा लेना। बाकी मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा, ठीक? ऐसे तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरी भी। तुम बस हमारे बच्चे को गोद में उठा लेना, बाकी मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा। इसका मतलब ये होता है कि डिलीवरी के टाइम पे माँ की जान को खतरा है। हम रहे या ना रहे तिवारी जी, पर आप अपने बच्चे को गोद में उठाए के विंध्याचल की सीढ़ियां जरूर चढ़ेंगे। कछु भी हो जाए, जे बच्चा इस दुनिया में जरूर आवेगा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है आदि, बड़े अच्छे लग रहे हो। कौनो खास दिन है आज? हाँ मम्मी, खास दिन तो है। आइए, पहले आप ये कपड़ा हटाइए, आपके लिए सरप्राइज है।
आई। देखा है मम्मी, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का मॉडल है ये, देखिए। तिवारी इंडस्ट्रीज, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट 2 करोड़ का है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 2 के कब 200 करोड़ हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा है, खूब तरक्की करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मम्मी। लेकिन मम्मी, पापा का इस प्रोजेक्ट में अप्रूवल चाहिए, उन्हें मनाना पड़ेगा। अरे मनाना का है? अपने बेटे की तरक्की से और खुशी से बढ़ के कछु थोड़ी ना है उनके लिए। और तिवारी जी तो हमें खुद ही बोले थे कि आदि जो भी काम करना चाहेगा हम उसकी मदद करेंगे, तो बस समझ लो कि तुम्हारे पापा मान गए। ठीक है मम्मी, चलिए केक काटते हैं, आइए। अरे एक मिनट आदि, पहले तुम्हारे पापा को तो फोन करके बुला लें, उनके बिना कैसे काटेंगे केक। वो भी ठीक है, दीजिए आप फोन कीजिए, उन्हें बोलिए जल्दी आए। राष्ट्र बन गए तुम्हारे पापा अपने पुत्र के प्यार में, आदि के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और जितना बड़ा कांड पता चला आदि का, और उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। अगर आज तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया ना, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं आलोक दुबे, बल्कि तमाशा दिखाने वालों में से। याद रखना, अगर ये 2 करोड़ रुपए आदि के पास पहुंच गए ना, तो हम इस खेल में बहुत पीछे रह जाएंगे। का तिवारी जी ने वसीयत बनवाई है? आरे मैंने बनवाई है वसीयत। आप बताए नहीं हमें। पता नहीं वाला था। हाँ वकील साहब, पढ़िए क्या लिखा है। जी, तुम में अपनी बेटी की छवि दिखाई देती है मुझे नव्या, सच। इसलिए आज जो मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं, वो मैं रेनू से भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। इसलिए मुझे तुम्हारी राय चाहिए। हाँ पापा जी, बोलिए ना, क्या बात है। मैं अपनी सारी जायदाद आदि का नाम करने जा रहा हूँ वसीयत में। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत। मैं मुकुंद तिवारी, पुत्र अर्जुन तिवारी, निवासी 24/36 राजा मंडी, आगरा, उत्तर प्रदेश, अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयतनामा आदित्य तिवारी, पुत्र मुकुंद तिवारी का नाम लिखता हूं। पापा जी, अगर मैं सच कहूं तो आदि बिल्कुल बदल गया है, गलत राह पे भी चल पड़ा, और ऐसे में हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज भी करे। और आपको आने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना है ना। आदि तो बड़ा है, काबिल है, एजुकेटेड है, बाकी आप हैं ना उसके साथ, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप तो उसकी मदद कर ही देंगे ना। पर ये बच्चा, जब तक ये बड़ा होगा तब तक आपकी और माँ की उम्र भी हो जाएगी, और मैं नहीं जानती कि आदि इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या नहीं।
मेरी दोनों कोठियां, मेरे दोनों बच्चे प्रीति दुबे और आदित्य तिवारी के नाम करता हूं। पर तिवारी हाउस और तिवारी एंड सन्स पे रेणुका तिवारी का अधिकार रहेगा। और बाकी की मेरी संपूर्ण संपत्ति मेरे आने वाले अनाम बच्चे का अधिकार होगा। मेरी ये बकाया संपत्ति एक ट्रस्ट में मेरे बच्चे के नाम जमा रहेगी जब तक ये बच्चा कानूनी रूप से बालिग नहीं हो जाता। और ये ट्रस्ट के 6 सदस्य होंगे जिसके नाम इस मुताबिक हैं: श्री मुकुंद तिवारी, श्रीमती रेणुका तिवारी, श्री आदित्य तिवारी, श्रीमती नाव्या तिवारी, श्री आलोक दुबे, श्रीमती प्रीति दुबे। इन सब के बहुमत से निर्धारित होगा कि ये पैसा कहाँ और कब खर्च किया जाए। तिवारी जी, ये सब कहाँ है, कहाँ जरूरत थी ये सब करने की? कैसी बातें कर रही हो रेनू? मैंने जो कुछ किया है सोच समझ के किया है और मेरा ये फैसला अटल है, जिसको मैं कभी बदलूंगा नहीं।